फ्रेंड, माय नेम इज एनकी सिंह और आप देख रहे हैं ड्राफ्टमैन मैकेनिक। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ड्राफ्टमैन फर्स्ट ईयर का सिलेबस, उसका एक एक चैप्टर का आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आज हम देखेंगे कि क्या होता है पहले चैप्टर में, और उसकी एक एक चीज़ हम देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ बनती है। तो पहला हमारा चैप्टर है टू कंस्ट्रक्ट द ज्योमेट्री फिगर। हमें क्या बनाने हैं? ज्योमेट्री फिगर बनाने हैं। किसके द्वारा बनाने हैं? इंस्ट्रूमेंट जो आपने देखा है, आप सभी इसको यूज़ करेंगे। आप एक आपने एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखा होगा, आपको वो खरीदना है, ठीक है। 80 रुपये तक का आ जाता है, 80-85 तक का आपको मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। उसी में आपके सारे तरह के प्रकार होंगे। आप मैं कहता हूँ कि आप वही यूज़ कीजिएगा, आप जो नॉर्मल जो आते हैं दुकानों में यूज़ ना कीजिएगा, ठीक है। वो जो आता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, वो आप जरूर ले आइएगा, वो आपके बहुत काम है। बिना उसके आप मेरी तैयार नहीं कर पाएंगे। फिर हम देखें कि क्या चीज़ देखना हमें फर्स्ट चैप्टर में, टू कंस्ट्रक्ट द ज्योमेट्री फिगर। हमें ज्योमेट्री फिगर हमें बनाने, जब आप ये ज्योमेट्री फिगर्स आ जाएंगे तब ही आप आगे जाके ड्राइंग को समझ पाएंगे कि हम ड्राइंग को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि किसी भी लाइन को क्या करना है, किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करना है, मतलब कि टू इक्वल पार्ट में करना है, या किसी लाइन के परपेंडिकुलर करना है ना, जबकि पॉइंट कहीं भी हो, मतलब कि उस लाइन के कहीं पर भी पॉइंट हो, ठीक। और फिर इसके आगे आता है कि किसी भी आर्क को हम डिवाइड कैसे करते हैं, है ना, मतलब कि कोई आर्क है हमारा, उसको हमें दो भाग में डिवाइड करना है, वो हम कैसे करते हैं। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है कि हम किसी भी सर्कल को, है ना, कोई सर्कल है हमारा, उसको हम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करें बिना हम चांदे के हम करेंगे इसको, ठीक। फिर हम देखेंगे पॉलीगन्स क्या होती हैं, ठीक। और आगे इसी में पॉलीगन्स के अलग अलग मेथड देखेंगे, ठीक। फिर आगे इसी में करके धीमे धीमे हम एक एक चीज़ इसी में देखेंगे। तो आइए चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि किसी भी लाइन को हम डिवाइड कैसे करते हैं, किसी भी लाइन को हम क्या डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रकार चाहिए। प्रकार को हम क्या करेंगे कि किसी भी पॉइंट में, हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट पर रखा, हमने क्या है एक पॉइंट पर रखा, और हमने इस लाइन के आधे से ज़्यादा क्या ली, दूरी ली, आधे से ज़्यादा हमने दूरी ली, और हमने यहाँ इसे दो आर्क लगाए, हमने दो क्या लगाए, दो आर्क लगाए। फिर हमने दूसरे दूसरे पॉइंट पर रखा, उसकी टी हमने क्या लिया, उसकी हमने डिस्टेंस ली, और यहाँ पे दूसरा आर्क लगा दिया। फिर इसके बाद हमने देखा हमें दो पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। तो ये लाइन क्या हो गई, ये हमारी लाइन डिवाइड हो गई। किसी भी लाइन को हम डिवाइड कैसे करते हैं, सिंपल मेथड, ठीक। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड। अब क्या है कि हम देखेंगे कि किसी भी आर्क को हम डिवाइड कैसे करते हैं। ये क्या है, एक आर्क है, एक क्या है, आर्क है। अब इसको हम देखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। सेम वही चीज़ है जैसे हम किसी लाइन को डिवाइड करते थे, सेम वैसे ही हम इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आर्क के एक पॉइंट पर रखेंगे, और आधे से ज़्यादा हम दूरी लेके एक हम आर्क बनाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ पॉइंट रखेंगे, ठीक, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कट करेंगे। फिर जहाँ पे ये कट करेगा, ठीक है, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं पी और क्यू, और इनको हम डायरेक्ट मिला देते हैं, क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये क्या हो गई, ये हमको मिल गए किसी भी आर्क को कैसे हम डिवाइड करते हैं। समझ में आया होगा आपको, तो हम आगे चलते हैं। फिर आगे देखते हैं कि अभी हमने देखा कि किसी भी लाइन को हम डिवाइड कैसे करते हैं इन टू इक्वल पार्ट। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर कैसे खींचेंगे, और वो पॉइंट लाइन के कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बीच में हो, साइड में भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है। चलो हम रैंडमली हम कहीं भी लेते हैं, हमने एक पॉइंट यहाँ जैसे ले लिया, हमने इसको पी नाम दे दिया, ठीक। अब इसके हमें परपेंडिकुलर खींचना है, दो मेथड बताएंगे, ठीक। सबसे पहला मेथड क्या है कि हमने क्या लिया, प्रकार लिया, और पी पॉइंट पे हमने क्या रखा, जहाँ से हमें परपेंडिकुलर खींचना है, कितनी भी आपने रेडियस ली, और कहीं पे भी एक पॉइंट लगाया, क्या लगाया, एक पॉइंट लगाया, ठीक। अब इसको क्या करना है कि इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के करना क्या है, आपको बिल्कुल भी कुछ करना नहीं, जितना हासिल किया था आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, क्या आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक, आपको एक
सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये पूरा हो गया लेकिन आपको सेमी सर्कल करना है। अब इसके बाद जहाँ जहाँ ये कट किया वहाँ वहाँ हम इसे नाम दे देंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ कट किया, ये पी पे तो नाम है ही, और फिर यहाँ पे ये कट किया, इसको हम नाम देते थे सी, ठीक। और ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देते ओ, ठीक। हम क्या करेंगे सी और ओ को मिला देंगे, मैंने क्या कहा, अब हम सी और ओ को क्या करेंगे मिला देंगे और इसी को एक्सटेंड करके बढ़ा देंगे, ठीक। तो हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया तो यहाँ पे एक जगह ये और कट कर दिया, इसको हम कुछ भी नाम देते जैसे हमने देते क्यू। अब हम क्या करेंगे क्यू पी और क्यू को मिला देंगे, पी और क्यू को हम मिला देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हो गई, जबकि पॉइंट क्या है कहीं भी हो सकता है लाइन में, ठीक। एक मेथड हम और देखते हैं क्या, कि जैसे कि हमारा ये पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट है, हमने ऐसे ले लिया जहाँ पे भी आपको, आप जहाँ चाहें वहाँ से लेके देख सकते हैं। फिर हमने इसको, इस पॉइंट को हमने पी दे दिया, अब हमें इसके परपेंडिकुलर खींचना है। एक मेथड और है, हमने क्या किया कि हमने अपने हिसाब से भी एक रेडियस ले लिया और हमने एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक। सेमी सर्कल बनाने के बाद जितनी हमारी रेडियस थी यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से हमने इस पॉइंट पर रखा और यहाँ से एक आर्क लगाया, फिर इस पॉइंट पे हमने पॉइंट पे रखा और एक आर्क ये लगाया, हमें दो पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट पे रखा और इधर कट किया, ठीक, और इधर हमने पॉइंट रखा और इधर कट किया, ठीक। फिर इसके बाद हमें एक पॉइंट ये मिल गया, अब हम इसको नाम दे देते हैं क्यू, क्या दे दिया क्यू। अब हम क्या करेंगे पी और क्यू को मिला देंगे, क्या करेंगे पी और क्यू को मिला देंगे। तो ये क्या हो गई, किसी भी लाइन के क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई, समझ में आया। आई रिपीट, हम पहले देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, किसी भी लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं। हमने पहले प्रकार से आधी ज़्यादा दूरी लेके दो चाप लगाए, फिर इधर से लगाए, दो पॉइंट मिले, उसको मिला दिए, तो ये किसी भी तरह हमारे क्या हो गई, लाइन डिवाइड हो गई। फिर हमने आर को देखा, आर कैसे डिवाइड होती है। फिर हमने देखा किसी भी लाइन के किसी भी पॉइंट से, किसी भी जगह पॉइंट से हम किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ से भी देखा, फिर अब हम देखेंगे कि किसी भी एंगल को हम डिवाइड कैसे करते हैं। क्या मैंने कहा, किसी भी एंगल को डिवाइड कैसे करते हैं, ये एक एंगल है और हमको नहीं पता है कितना एंगल है, लेकिन हमको इसे 20 से डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक आर्क बनाएंगे इस एंगल के अंदर, ठीक। हमने एक आर्क बनाया अपने हिसाब से, फिर बिल्कुल सेम वही है। अब आपको आर्क पता है कैसे डिवाइड होती है, ठीक है, तो आप ये आसानी से कर लेंगे। सब ज्योमेट्री फिगर एक साथ मिले होते हैं, ठीक, अलग अलग तरह से, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया से आपको आएगा। फिर आपने क्या किया, आपको आर्क तो आती ही डिवाइड करना, आपने क्या किया, अब आपको इधर नहीं ड्रॉ करने क्योंकि आपको यहाँ पर क्या वो पॉइंट मिल गया है, यहाँ से लेके आप इसको कोई नाम दे सकते, पी पॉइंट दे दीजिए, ठीक। अब ओ और पी को मिला देंगे, हमने क्या किया, हमने ओ और पी को मिला दिया। तो ये हमें मिलाने के बाद ये क्या हो गया, किसी भी एंगल का बाइसेक्ट हो गया, ठीक है, आया कि नहीं। जैसे कि आपको पता है आर कैसे डिवाइड होती है ना, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, क्योंकि ये भी तो एक आर्क है, जैसे ये आर्क है वैसे इसके बीच में भी तो एक आर्क है एंगल के, बस वही चीज़ है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा लाइन क्या होता है, किसी भी लाइन को हम डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक, कि हम किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन को हम परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं या इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं। और फिर हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट, फिर हमने देखा किसी भी आर्क को हम डिवाइड कैसे करते हैं, फिर हमने देखा कि किसी भी क्या चीज़ें, किसी भी हम किसी भी एंगल को हम कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक। तो आपने इतना देखा, तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे अब हम बात करेंगे कि पॉलीगन कैसे बनती है, ठीक है, इसके अलग अलग मेथड देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सेकेंड मेथड की, आइए चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि हम पॉलीगन कैसे बनाते हैं, है ना, इसका हम सेकेंड देख रहे हैं कि सेकेंड मेथड क्या होता है। ये जो मेथड है ये समकोण त्रिभुज है, मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या चीज़ है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसी से हम पॉलीगन बनाएंगे
आप जितने भी साइड का बना सकते हैं, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे डेकागन हो, आप जितने भी गन का क्या चीज़ है पॉलीगन बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा, बहुभुज बनाना चाहते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको साइड पता होनी चाहिए कि आपके पॉलीगन की साइड क्या है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। सपोज़ हमने एक 20 mm लिया, कितना लिया हमने, हमने एक 20 mm लिया, कितना लिया 20 mm, हमने क्या किया, हमने एक 20 mm का क्या लिया, हमने यहाँ से हमने 20 mm की लाइन खींची, कितनी है 25 mm की, कितनी 25 mm की हमने एक लाइन खींची। अब इस पर क्या नाम दे दिया हमने, ए और बी, ठीक। इतना आपको समझ में आया। अब हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो हमें इसका बेस मिल गया, ठीक। अब हमें इसकी एक क्या बनानी है, हाइट बनानी है, और इसका हमें क्या बनाना है, हमें इसका क्या चिचकड़ बनाना है, ठीक। फिर इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर लेंगे, और फिर हमने इसको क्या करेंगे, बी पॉइंट पर रखेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इधर एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक। तो ये हमें 90 मिल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ तक एक्सटेंड नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें हम बी पे प्रकाश रखेंगे, ए तक की रेडियस लेंगे, और एक 1/4 सर्कल बनाएंगे, मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक। हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, क्या करेंगे हम इसको, जो 90 डिग्री पे पॉइंट लिया था उससे हम इसको बी को मिला देंगे, ठीक। पूरा नहीं ले जाएंगे, हम केवल यहाँ तक ले जाना था। फिर इसके बाद इतना हो गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने ये जो पॉइंट मिला इसको हमने सी नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, सी, ठीक। इतना समझ में आया, हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, जितने mm साइड का आपका था पॉलीगन वो हमने लिख ली। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि हमने क्या किया, हमने 90 डिग्री पे पॉइंट ले लिया प्रोटेक्टर की उससे सहायता से। फिर हमने क्या किया, बी पे हमने प्रकाल की नोक रखी, और ए तक की रेडियस लिया हमने, क्या लिया, ए तक की हमने रेडियस ली। फिर उसके बाद हमने एक सेमी 1/4 सर्कल बनाया, और फिर इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को 90 डिग्री पे, तो जहाँ पे पॉइंट मिला वो हमें सी पॉइंट मिल गया। अब हम ए और सी को क्या करेंगे, जॉइंट कर देंगे, ए और सी को हम क्या करेंगे, ए और सी को हम जॉइंट कर देंगे, ठीक है। ए और सी को हम क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। आपको इतना आया कि नहीं आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन यही चीज़ है, अब हम करेंगे क्या कि हम इस लाइन ये जो ए और बी खींची थी इसका हम बाइसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। वो तो आपको करना आता ही है, क्या कह रहे हैं, आधे ज़्यादा दूरी लेंगे, एक यहाँ चाप लगाया, एक यहाँ चाप लगाया, ठीक। फिर हमने क्या किया, ए पर रखा, एक चाप यहाँ लगाया, एक चाप यहाँ लगाया, और इसको हमने क्या किया कि यहाँ से हमें दो पॉइंट मिल गए, ठीक। इन दोनों पॉइंटों को क्या किया हमने, मिला दिया और एक्सटेंड कर दिया, ठीक। इसको आप जितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं आपकी मर्जी। फिर इसके बाद हम क्या किया, तो जहाँ पे कट किया इसको ओ पॉइंट दे दीजिए, ठीक। ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, ठीक। और यहाँ पे एक जगह और कट किया, इसको पी पॉइंट दे दीजिए, ठीक। आप जो भी देना चाहें, ठीक। अब एक चीज़ आप याद रखिए, फिर अब इतना हो गया, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमें मिला है क्या चीज़ है, ये सबसे पहला जो है ये हमारा 4 है, ठीक। 4 मतलब कि यहाँ से 4 साइड का पॉलीगन बनेगा, फिर यहाँ से 2 का डिस्टेंस छोड़ के ये 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6। समझ में आया, ये पहला पॉइंट जो मिलता है वो कितने का होता है, 2 मतलब 4 का, ठीक। और जो नेक्स्ट पॉइंट इधर मिलता है सेमी सर, ये आर्क जो बना है ये 6 का होता है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 5 का होगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया 4, 6, अब हमें और भी जैसे चाहिए, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने ये लिया, हमने यहाँ से 4 और 6 के बीच में जो पॉइंट लिया ये ओ और पी था, इतनी दूर डिस्टेंस थी, और ऊपर हम इसको क्या की, यहाँ पी पे रखा, और इसको हम काटते चले गए, क्या किया हमने, काटते चले गए, हम ज़्यादा तक नहीं जाएंगे जितना हमें चाहिए। अब इसके बाद हम नंबरिंग करते, जैसे हमने कर दिया 4 यहाँ पे, ये पी पॉइंट पे 6, और फिर यहाँ क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 12। इतना आपको समझ में आया, आया कि नहीं आया। हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाया, जितने mm हमारा क्या था, जितने mm हमें दे रखा था साइड, वो हमने उसका उतने mm का बेस खींचा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक 90 डिग्री प्लान खींची, और इसके
हमने क्या किया, इसके कर्ण को मिला दिया। फिर हमने क्या किया कि इस ए बी का बाइसेक्ट किया और इसको हमने यहाँ पे क्या एक्सटेंड किया, जहाँ पे कट किया वो पॉइंट, इसका पहला पॉइंट वो हमने नाम दे दिया, वो क्या हो गया 4। मतलब कि ये इस पॉइंट से हम 4 साइड का पॉलीगन बना सकते हैं और जो आर्क वाला है उससे हम कितना 6 साइड का बना सकते हैं। इसी तरह हमने देखा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है तो आगे भी इसका 2-2 चलता रहेगा। कैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक प्रकार से वो लेंगे डिस्टेंस और यहाँ चाप लगाते चले जाएंगे, तो 2-2 डिस्टेंस का चाहिए। अब क्या चीज़ है कि हमने 4 का 6 का बना लिया, अगर हमें पेंटागन बना तो हम क्या करें, हमें 5-5 का तो दिया नहीं है लेकिन हमको दिया है, हमको निकालना पड़ेगा क्या 4 और 6 के बीच ही में तो होगा, 4 और 6 के बीच ही में तो होगा क्या 5 का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ से हमें इसका क्या हाफ निकालना है, क्या निकालना है हाफ। तो सिंपल है, हमें क्या आधे ज़्यादा दूरी लेनी है, ठीक। एक यहाँ पे चाप लगाया, एक यहाँ पे चाप लगाया, ठीक। इसके बाद ठीक है, हमने इतना किया। हमने क्या किया कि सबसे पहले आपके बाउंस तो नहीं हो रहा, आप ध्यान से पहले देख लीजिए कि सबसे पहला जो पॉइंट कटेगा वो 4 का कटेगा, जब वो 4 साइड का। फिर इसके बाद दूसरा जो आर्क से कटेगा वो कितने साइड का होगा, 6 साइड का। कितना होगा, 6 साइड का। और फिर उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे, प्रकाल से हम डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है, प्रकाल से हम डिस्टेंस ले लेंगे। इसे 2-2 का डिस्टेंस चलता रहेगा, ठीक। लेकिन आपको जैसे कि हमें 4 का नहीं चाहिए, हमें 6 का नहीं चाहिए, हमें 5 का चाहिए, तो 5 का होगा 4 और 6 के बीच में होगा ना, तो इसका हम हाफ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हाफ पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। आर्क मेथड से हमने क्या किया, यहाँ से एक चाप लगाया, यहाँ लगाया, फिर इसके बाद ये जो बीच में हमें पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट से हमें क्या है एक पेंटागन मिल जाएगा 5 का। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से ये पॉइंट मिला, ठीक, यहाँ से हमें ये पॉइंट मिला, हमने यहाँ पर प्रकार रखा और सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ए और बी को मेज़र किया, क्या किया हमने, ए और बी को मेज़र किया और हमने कहाँ पे रखा, इस पे, जहाँ पे हमने पॉइंट निकाला। आप ये देख रहे हैं कि ये इससे टच कर रहा है कि नहीं, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे, समझ में आया क्या किया। अभी हम इसी से सारे तरह के बना, इसके बाद क्या किया हमने, सर्कल बना दिया। अब हम क्या करेंगे कि ए बी के बराबर हम डिस्टेंस लेंगे क्या प्रकार से, ठीक है, ये हमने लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, सेंटर से जहाँ से पॉइंट लिया था, ठीक, इसके बाद ए बी से हमने डिस्टेंस ली। अब हम क्या करेंगे, हमें पेंटागन बनना है, सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी से लिया, फिर हमने ए पॉइंट पे रखा और इस सर्कल पे हमने क्या किया, कट किया। फिर इसके बाद बी पे रखा और हमने कहाँ कट किया, इधर कट किया। तो क्या चीज़ है, हमें केवल 2 ही इधर कट करने थे। फिर क्या है, हमें जो तीसरा वो कट है वो हमें यहाँ मिल गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ए से इस पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, ए से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक। ए से हमने इस पॉइंट को मिलाया, फिर बी से हमने इस पॉइंट को मिलाया, ठीक, मिला दिया। अब इसके बाद हमने ऊपर वाले से इसको मिला दिया, ठीक, ये हमने मिला दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पेंटागन बन गया। समझ में आया कि नहीं आया आपको, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक, पेंटागन कैसे बनता है। अब इसी में जैसे कि हमें हेक्सागन बनाना, क्या हेक्सागन, तो हेक्सागन तो हमको ये आर्क पे मिल गया था, क्या मिल गया था, आर्क पे। हेक्सागन क्या है, हमको आर्क में मिल गया था। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें हेक्सागन बनाना है, तो हमें ये इसका पॉइंट मिल गया था, ये पी पॉइंट, ठीक, ये जो आर्क बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रकार की नोक रखेंगे और ए बी की ही हम रेडियस लेंगे, ए बी की हम डिस्टेंस लेंगे, ए बी की हम क्या लेंगे, रेडियस लेंगे, मतलब डिस्टेंस लेंगे, और कहाँ पे रखेंगे, पी पॉइंट पे रखेंगे जहाँ पे 6 का बन रहा था, और यहाँ से हम क्या एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्या किया हमने, एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक। सर्कल ड्रॉ करने के बाद कुछ नहीं करेंगे, ए पे रखेंगे, जितनी दूरी हमारी ए बी की थी, ठीक है, वही रहेगी। इसके बाद हम ए पे रखेंगे प्रकार की नोक, और जो हमारा ये दूसरा वाला सर्कल था उसको हम करेंगे बारी बारी ऐसे कट करेंगे, ठीक, इसको ऐसे हम कट करते जाएंगे, ठीक, और ये लास्ट वाला यहीं कटेगा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इन सबको हम ज्वाइन कर देंगे, जितने भी पॉइंट मिले हैं, ठीक है, हमें जितने भी पॉइंट मिले हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक। सबसे पहले ए से जो हमारा पहला पॉइंट मिला है उसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक।
ज्वाइंट करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी हमने ऐसे क्या किया, ज्वाइन कर दिया, आया कि नहीं आया। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हम उससे नेक्स्ट पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक, हमने क्या किया, हमने ये नेक्स्ट पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हमने फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट को आगे ज्वाइन कर दिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया और फिर लास्ट पॉइंट को हमने इससे क्या किया, मिला दिया। तो ये देखिए आपका पहला क्या हमने बनाया, पेंटागन बनाया था, फिर हमने क्या बनाया, हेक्सागन बनाया। ऐसे ही करके जहाँ जहाँ आपको पॉइंट मिले वहाँ वहाँ आपका ए बी की रेडियस डिस्टेंस लेके और क्या कीजिएगा, वहीं पे रख दीजिएगा। क्या चीज़ है, प्रकार की नोक, क्या चीज़ है, टी पे रख देंगे हम। ठीक है, और हमारा उतने एमएम का क्या बन जाएगा, हमारा वही चीज़ मतलब कि जितने आपको साइड का चाहिए आपको, ठीक है, पॉलीगन वो आपको मिल जाएगा। हमने दो बना के दिखाए आपको, पेंटागन और हेक्सागन, ऐसे करके आप अलग अलग बना सकते हैं आप, फिर ऑक्टागन बना सकते हैं, फिर डेकागन, फिर है ना डोडेकागन, आप अलग अलग तरह के बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे कि पॉलीगन कैसे बनाते हैं। ठीक, तो ये पॉलीगन बनाने के कई सारे मेथड है, ये हम मेथड देख रहे हैं सेमी सर्कल मेथड, और आगे हम बाकी मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेमी सर्कल मेथड देखते हैं। तो इसमें कुछ होता क्या है कि सेमी सर्कल मतलब हम एक हाफ सर्कल बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। हमने क्या लिया कि हमारी एक लाइन है, ठीक, सपोज ये 20 mm की, कितनी, ये 20 mm की है। ठीक, 20 mm की ये लाइन है। अब हम क्या चीज़ है, अब हमें इस पर पॉलीगन बनाना है। पॉलीगन नंबर आप कितने भी ले सकते हैं, पॉलीगन चाहे आप वो पेंटागन ले लीजिए, चाहे हेक्सागन, चाहे हेप्टागन, चाहे डेकागन, आप जो भी बनाना है सेम यही मेथड रहेगा। ठीक, फिर क्या चीज़ है, हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ पे रखेंगे और इसकी पूरी डिस्टेंस ले लेंगे जितनी लाइन है, फिर हम इससे एक सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या, हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलीगन। ठीक, क्या है, नंबर ऑफ पॉलीगन मतलब कि जितने आपको पॉलीगन की साइड है, ठीक, नंबर ऑफ पॉलीगन साइड, तो आपको क्या आ जाएगी, पॉलीगन का क्या आ जाएगा, आपको एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा पॉलीगन का। ठीक, तो अब हम करके, ये हमने 180 ही क्यों लिया, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। अगर ये पूरा सर्कल होता तो कितना होता, 360 होता, लेकिन ये क्या है, सेमी सर्कल है, ये क्या है, सेमी सर्कल। तो हम क्या लेंगे, 180। ठीक, और जितने हमारे नंबर, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने क्या किया, 180 डिवाइडेड बाय, हमें जैसे कि कितने का चाहिए, हमें फाइव साइड का चाहिए, मतलब पेंटागन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और हमारा 36 आ जाएगा। तो ये हमारा एंगल आ गया, क्या आ गया, 36 एंगल। तो अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे चांदा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से हम कितना, 36 डिग्री का एंगल लेंगे। ये है हमारा 30, ये 35 और ये है 36। ठीक, अब हम करेंगे क्या, इसको अब इसको मिला देंगे ओ पॉइंट से। ठीक, हमें सेमी सर्कल से टच कराना है, ठीक, ताकि हमें एक पॉइंट मिल जाए। ठीक, कितना हो गया, अब ये नहीं आपको 36 36 36 करना है, अब आपको डिवाइड करना आ गया। तो आप डिवाइड करने के लिए अब क्या करेंगे, जब क्या करेंगे, यहाँ से आपने यहाँ से यहाँ तक कि आपने डिस्टेंस ली और यहाँ से आपने चाप लगाना चालू कर दिया पूरे सर्कल में। ठीक, ये आपने लगा दिया, लास्ट वाला भी लगा दिया, अब आप इसको क्या करिए, एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक, फिर इसके बाद अब हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक, ऐसे आपने कर दिया और ये 5 कर दिया, यहाँ 0। ठीक, हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ओ पॉइंट को 2 से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, 2 से। आप याद रखिएगा, आप जितने भी नंबर का पॉलीगन बनाएंगे, आपको पहली लाइन जो यहाँ से जाएगी वो 2 पर ही जाएगी। ठीक, और इस ओ पॉइंट से। ठीक, ये हो गया, अब आप क्या करेंगे कि आपको ये पॉइंट मिल गया, तो आपका इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों लाइनों का क्या बाईसेक्ट करेंगे, इन दोनों का
हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वही हमारा जो सिंपल मेथड था कि आधे ज़्यादा दूरी लेंगे और इसका हम क्या करेंगे, हम इसका लंब निकालेंगे। ठीक, यहाँ से ये लिया, फिर हमने यहाँ से ये कट किया, हमें दो पॉइंट मिल गए। हमें क्या मिल गया, दो पॉइंट मिल गए। इसको हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद हमने इस लाइन का क्या, बाइसेक्ट कर दिया। अब हमें इस लाइन का बाइसेक्ट करना है। ठीक, हम क्या करेंगे, तो वही मेथड है। हमने लिया आधे ज़्यादा दूरी, पॉइंट ओ पे रखा, इधर चाप लगाया, इधर चाप लगाया, क्या किया, इधर चाप लगाया, फिर इसके बाद हमने इधर चाप लगाया और इधर लगाया, ये हमारे दो चाप लग गए, हमें दो पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। ठीक, आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए हमने किया क्या, यहाँ से एक लाइन एक्स्ट्रा होगी, इसको मिला देंगे। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने किया क्या है। हमने पहले क्या किया कि हमने जितनी हम जितने mm वो हमारी एक साइड है पॉलीगन की, वो हमने सबसे पहले एक खींच ली। आप सपोज जैसे 30 mm, 20 mm, जितना भी है आपने एक लाइन खींच ली। फिर इसके बाद आपने क्या किया कि वो पॉइंट पे रख के आपने एक सेमी सर्कल बनाया जितने mm की आपकी लाइन है। फिर इसके बाद आपने क्या किया कि आपने इसका फॉर्मूला लगाया 180 ऑफ नंबर ऑफ पॉलीगन साइड, मतलब कि जितने आपकी साइड चाहिए, जैसे कि आपको पेंटागन चाहिए, हेक्सागन चाहिए, उसका डिवाइड आप नीचे कर दीजिए। जैसे आपको अगर हेक्सागन चाहिए था तो 180 डिवाइडेड बाय आप क्या करते, 6, तो जो आता फिर आप वो एंगल लेते। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि इतना करने के बाद हमने नंबर हमने सबका डिवाइड कर दिया 36-36 डिग्री पे। फिर हमने क्या किया कि हमने ओ पॉइंट को 2 से मिला दिया, आप हमेशा 2 पे ही मिलाएंगे। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों लाइनों का हम बाइसेक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बाइसेक्ट। अब हम सबसे पहले ओ और ए का निकालेंगे, तो हमने ये वही हमने ये लगाया, फिर हमने इसका निकाला और फिर इन दोनों का एक्सटेंड किया। फिर जहाँ पे ये कट किया वहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया, जहाँ पे ये कट किया वहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया, इसको हमने नाम दे दिया क्यू। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ से जितनी रेडियस थी हमने बोली, अब हम क्या किया क्यू पे रखा और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक, हमने जहाँ से जितनी रेडियस थी हमने वो ली, हमने क्यू पे रखा और एक सर्कल ड्रॉ किया। वो सर्कल क्या है, इससे टच होके जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि हमने किया कि नहीं, जितना हमारा ये था इसमें डिस्टेंस था, हमने एक यहाँ पे आर्क लगाए। ठीक, फिर हमने एक ऐसे करके इधर ऊपर लगाएंगे। ठीक, यार लिया, हमने इसको ऐसे करके ज्वाइंट कर दिया। अब इसको हम ये जो बीच वाला था इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, तो इसको हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया है, पेंटागन। किसके द्वारा, सेमी सर्कल। किसके द्वारा, सेमी सर्कल। अब ऐसे ही आप हर तरह से बना सकते, चाहे हेक्सागन बनाइए, चाहे ऑक्टागन बनाइए, चाहे डेकागन बनाइए, यही मेथड रहेगा। ठीक, और भी अलग अलग मेथड है, वो मांगे बात करेंगे। पॉलीगन्स कैसे बनते हैं, इसके हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे। जैसे इसे हमने देखा कि पॉलीगन एक समकोण चतुर्भुज से कैसे बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे बनता है। फिर हमने दूसरा इसका मेथड देखा, दूसरा मेथड हमने क्या देखा, सेमी सर्कल मेथड। तो अब हम इस वीडियो के आगे, हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं, अब लगभग इसका लास्ट इसका है ना, आगे चल के। तो हम आगे के इसमें देखेंगे वीडियो में कि आगे हमारे ज्योमेट्रिक फिगर्स में क्या आता है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे साइक्लॉइड, क्या पढ़ेंगे, साइक्लॉइड क्या होता है। ठीक, इसका पूरा हम डिटेल देखेंगे, एक एक चीज़ को आपको बारीकी समझाएंगे कि साइक्लॉइड होता क्या है। फिर इसके बाद साइक्लॉइड के बाद आता है एपिसाइक्लॉइड, क्या बोला मैंने, एपिसाइक्लॉइड। फिर उसके बाद क्या आता है, एपिसाइक्लॉइड के बाद आता है हाइपोसाइक्लॉइड। तो आज हम ये सारे साइक्लॉइड देखेंगे कि असल में ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, साइक्लॉइड। तो हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि साइक्लॉइड कैसे बनाते हैं। तो साइक्लॉइड बनाने से पहले
हम ये समझेंगे कि साइक्लॉयड होता क्या है। ठीक, तो साइक्लॉयड एक ऐसी एक हमारी इमेज होती है। तो ये बनती कैसे है? ये बनती किससे है? एक पाथ से और एक सर्कल से। क्या मतलब बोला मैंने कि होता क्या है? जैसे कि हमें साइक्लॉयड बनाना है, तो साइक्लॉयड एक ऐसा कर्व होता है, वो एक सर्कल के अराउंड, मतलब कि राउंड करने से बनता है एक पाथ में। वो कैसे? जैसे कि इस ये मानी एक सर्कल है, ये क्या है? सर्कल। ठीक, और ये हमारा एक पाथ है। पाथ, पाथ मतलब एक रास्ता, एक सीधा रास्ता। पाथ मीन्स क्या होता है? एक सीधा रास्ता, और ये हमारा एक सर्कल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साइक्लॉयड एक तब बनता है जब एक सर्कल, क्या बोला, जब एक सर्कल किसी पाथ के अराउंड बिना स्लिप किए, मतलब कि बिना ऐसे रपटे, है ना, एक ही डायरेक्शन में चले, तो जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं? साइक्लॉयड। कैसे? जैसे कि हमने क्या किया कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक, और ये हमारा क्या एक पाथ है। अब इसके अराउंड हमें जैसे करना है बिना स्लिप किए, तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि ये हमने ऐसे करके, ये देखिए हमने क्या किया, ये ठीक है, ये हमारा क्या है कि हमने इसको फिक्स कर दिया एक पॉइंट पे, ठीक। और फिर हम सर्कल को जब घुमाएंगे बिना इसको क्या किए, बिना इसको क्या चीज़, बिना इसको स्लिप कराए, तो जो आकृति बनती है वही क्या बनती है? हमारी साइक्लॉयड। तो ऐसे ही ये चीज़ क्या आकृति बनी, इसी को साइक्लॉयड बनते हैं। ये जो कर्व बना है ना, यही साइक्लॉयड है। आज हम इसी को बनाना सीखेंगे कि ये बनता कैसे। आपको समझ में आया कि नहीं कि साइक्लॉयड होता कैसे है और ये कर्व कैसे जनरेट होता है? तो आइए चलते हैं कि हम देखते हैं कि साइक्लॉयड कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें साइक्लॉयड की कुछ चीज़ें, हमें क्या चीज़ें निकालनी पड़ती हैं और हमें कुछ चीज़ें गिवन होती हैं। तो जैसे कि साइक्लॉयड में हमें गिवन है, जैसे कि हमें दे दिया है कि एक, मतलब साइक्लॉयड जो सर्कल है उसका हमें दे दिया है डायामीटर, हमें उसका डायामीटर दे दिया सपोज 20 mm। कितना दे दिया? 20 mm डायामीटर दे दिया हमें सर्कल का। क्या मिल गया हमें? जो सर्कल राउंड करेगा जो किसी पाथ पे, उसका हमें डायामीटर दे दिया है सपोज कितना, 20 mm। ठीक, ये भी लगभग 20 mm है, ठीक, दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक 20 mm डायामीटर का एक सर्कल खींचेंगे। क्या करेंगे? एक सर्कल बनाएंगे, ठीक, 20 mm डायामीटर का। तो हम क्या करते हैं, हम प्रकार लेते हैं, कितना है 20 mm डायामीटर है, ठीक है, तो हम 10 mm का ले लेंगे, ठीक, हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, हम 20 mm नहीं, हम क्या करते हैं, हम 30 mm का डायामीटर ले लेते हैं, ठीक, 20 mm बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 30 mm डायामीटर ले लेंगे, और क्या चीज़ है, तो 30 mm डायामीटर का मतलब हम रेडियस कितनी लेंगे, 15 mm, कितनी लेंगे, 15 mm, ठीक, 15 mm लिया हमने। और हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया, हमने क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया। कितने का बना दिया हमने, यहाँ इसकी हम डायमेंशन लिख देते हैं कि सपोज हमने कितने का बना दिया, हमने कितना बना दिया, हमने बना दिया 30 mm। कितने का बना दिया, 30 का बना दिया, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम करेंगे क्या कि हम क्या करेंगे कि हमें ये क्या है, सर्कल का डायामीटर मिल गया। तो आप एक बात बताओ, हमें बनाना है साइक्लॉयड, तो आप एक बात बताओ, अब हमें करना क्या है कि अगर हम क्या करते थे साइक्लॉयड बनाने के लिए कि एक फिक्स पॉइंट पे लेते थे और वहाँ पे जैसे कि पेंसिल या कुछ भी आपने रख दिया और उसको राउंड करना हम शुरू कर देते थे, क्या किसी पाथ के ऊपर, जैसे कि ये पाथ आप समझ लो, अब ये सर्कल अगर इसके राउंड घूमेगा और एक फिक्स पॉइंट पे, मतलब बिना वो रपटे हुए, तो जो आकृति बनती है वो क्या है, उसी को बोलते थे हम क्या चीज़, साइक्लॉयड, ठीक। तो अब इसमें करना क्या हमको, हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका एक चक्कर में हमें ये निकालना है कि एक चक्कर में जो बना है इसका पूरी आकृति वही साइक्लॉयड है, तो हमें पूरा एक चक्कर निकालना है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि किसी भी सर्कल का अगर हम पेरीमीटर निकाल ले, पेरीमीटर मतलब इसका क्या,
इसकी परिधि निकाल दें, सर्कल की परिधि कैसे। अगर आप एक बात बताओ कि अगर हम इस सर्कल के अराउंड एक धागा बांध दें, क्या एक धागा, और उसी धागे को हम खोलते चले जाएं एक सीधा है, तो जो सीधा हम उसको खोल देंगे तो वो उसी उसके परिधि के बराबर होगा, मतलब उसके पैरीमीटर के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं। तो वही चीज़ हम करेंगे, हम क्या करेंगे, इस सर्कल का पैरीमीटर निकालेंगे। किस लिए, क्योंकि ये सर्कल एक पाथ पे राउंड कर रहा है, मतलब एक सीधी जगह राउंड कर रहा है, और ये तभी तक राउंड कर रहा है एक चक्कर, तो जब तक एक चक्कर पूरा नहीं हो जाता तो ये पूरी इसकी परिधि ही होती है, तो वही हम निकालेंगे। तो वो क्या होता है कि हमें क्या है, डायामीटर दिया है, क्या दिया है हमें, डी गिवन है, कितना है 30 mm, ठीक। हमें निकालना है पैरीमीटर, तो पैरीमीटर क्या होता है इसका, सर्कल का होता है 2πr, क्या होता है 2πr, हमें r नहीं है लेकिन हमें डाया गिवन है, तो r कितना हो जाएगा इसका, हाफ हो जाएगा, मतलब कितना 15, तो इसका हमें पैरीमीटर कितना मिल जाएगा, 2 × 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, ये हमारा r की वैल्यू 15 हो जाएगी, ठीक। अब हम इसको कट करेंगे तो टोटल वैल्यू जो आएगी, तो हमें जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली हमको, वो वैल्यू हमको मिली 94.2, कितनी मिली 90, हमें कितनी मिली 94.2 मिल गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी क्या मिल गई, ये पैरीमीटर मिल गया, मतलब इसकी परिधि मिल गई, ठीक। तो हम इसके परिधि के बराबर ही क्या खींच करेंगे, हम इसके परिधि के बराबर ही एक लाइन खींचेंगे, कहाँ से खींचेंगे, इसके एक पॉइंट से सर्कल के, हम इसको हाफ में क्या करेंगे, इसको हम हाफ में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका क्या मिल गया, इसकी परिधि मिल गई हमको, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे कि हम किसकी की 94.2 की हम क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक, 94.2, तो 94.2 तो समथिंग होगा, तो उसको हम लगभग ले लेंगे 94, ठीक, 94, ये रहा हमारा 94, ये हमने क्या खींची, हमने एक लाइन खींच ली, ठीक, ये हमारे परिधि के बराबर हो गई, किसके बराबर हो गई, परिधि के बराबर, ठीक, जो एक राउंड में ये बनेगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमने ज़्यादा खींच लिया, 94 यहाँ जा रहा था, सॉरी 94 हमारा ये जा रहा था, हमने ज़्यादा खींच ली, सॉरी फॉर डैट, हमने क्या खींची, 94 mm की हमने लाइन खींची, चाहे हो तो आप लिख सकते हो, ठीक, 94, ये इसकी क्या हो जाएगी, 94 mm हो जाएगी, 94.2, ठीक। इसके बाद ये समथिंग में रहेगा, आप ना भी खींचो तो चलेगा। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, क्योंकि आपके क्या है, स्केल में केवल दो ही क्या चीज़ दे रखी, यूनिट दे रखी है, पहली क्या है सेंटीमीटर, दूसरी क्या है मिलीमीटर, आपको नैनो नहीं दिया, मतलब इससे कम की यूनिट नहीं दी है, ठीक है। जब आप स्केल चैप्टर पढ़ोगे तो आप वो भी बनाना सीख जाओगे कि हम स्केल कैसे बनाते हैं अलग अलग तरह के, ठीक। फिर इसके बाद हमने इतना कर दिया, अब हम क्या करेंगे, आप एक बात बताइए, हमने इसकी क्या परिधि भी बना ली कि यहाँ से यहाँ तक ये एक सर्कल में ये राउंड करेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ओके फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अब एक बात बताइए कि ये यहाँ से चल के यहाँ आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या एक काम करते हैं, एक डॉटेड सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो डॉटेड सर्कल बनाने के लिए हम इसी का जितने इसकी डायमेंशन के उतना ही लेंगे, ठीक, अपने हिसाब से कुल ऐड करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमें एक परपेंडिकुलर पे एक लाइन खींचनी है, ठीक है, पेंडिकुलर लाइन खींच दी हमने। फिर हमने क्या किया, ले लिया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, एक डॉटेड सर्कल खींचेंगे, सॉरी फॉर डैट, मेरा हाथ सामने आ रहा है लेकिन आपको दिखेगा, ये एक इमेजिनरी सर्कल है कि वो हमारा सर्कल घूम घूम के आखिर में यहीं आ जाएगा, ठीक है।
आपको दिख रहा होगा कि ये सर्कल अब राउंड करके यहाँ पहुँचेगा, ठीक। और इसके बीच में जो हमारी जो ड्राइंग बनेगी, मतलब कि जो हमारा इमेज आएगी, वही हमारा क्या होगी, साइक्लॉइड होगी। तो आगे हम इसके देखते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमारा ये जो सर्कल था, क्या ये हमारा सर्कल, इसको हमें क्या करना है कि हमें इसको नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, चाहे आप 12 में करिए चाहे 6 में करिए। तो हम करेंगे क्या, अभी हम फिलहाल के लिए हम इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो आपने देखा तो ये क्या चीज़ है कि अभी ये 4 इक्वल पार्ट में है, ठीक। तो हम 4 इक्वल पार्ट में और कर लेते हैं, ठीक। वो कैसे करेंगे, अभी ये कितने डिग्री पे है, ये 90। तो हम एक काम करते हैं, हम अपना ड्राफ्टर लेते हैं, इसको 45 डिग्री पे सेट करेंगे। कितना करेंगे, 45 डिग्री पे सेट करेंगे, ओके 45 डिग्री पे सेट करेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक। 45 डिग्री पे हमने क्या किया, इसको 45 डिग्री पे हमने इसको ये किया। अब ये हमने इसको 8 इक्वल पार्ट में कर लिया। आप 8 में ना करिएगा, आप 12 में करिएगा, क्योंकि उसका जो फिगर आएगा वो एकदम स्मूथ आएगा, ठीक है। इसके बाद इस फ्रेंच कर्व आप ले लेंगे तो और भी बढ़िया है ना, उससे और बढ़िया बनेगा। फिर इसके बाद हमने इसको 8 में किया, आप 12 में भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप ज़्यादा इसके डिवाइड करेंगे, कंजूसी ना करिएगा डिवाइड करने में, जितने ज़्यादा करेंगे उतनी बढ़िया फिगर हमारा बन के आएगा। फिर हम करेंगे क्या, अब हम इतना हो गया, हमने इसको क्या 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ से एक न्यून कोण रेखा खींचेंगे। किस लिए कि अब हम करेंगे क्या कि अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक बात बताइए, हमने इसके इक्वल पार्ट कर लिए तो हमें अब इसकी परिधि के भी इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें वो जो कर्व जनरेट करना है उससे हमें सहायता मिलेगी। कैसे, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि इस लाइन के इक्वल पार्ट करने हैं। क्या करने है, इक्वल पार्ट। आपने सीखा है, पहले आप सीखते आ रहे हैं कि किसी भी लाइन के हम इक्वल पार्ट कैसे करें। ये वाला पार्ट हमने नहीं बताया था, तो आप इसमें देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है कि हमारा ये जो मेथड है वो किसी भी लाइन को अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी को, इतनी बड़ी भी लाइन हो, छोटी हो बड़ी हो, आपको किसी भी डायमेंशन में क्या करना, उसको किसी भी डायमेंशन में उसमें, अरे मतलब कितने भी पार्ट में हमें उसके क्या करना, डिवाइड करना, आप जितने चाहें, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सिंपलरी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक न्यून कोण रेखा खींचनी पड़ेगी। कितने की, आप जितने की भी खींच, न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटी खींचनी है, ठीक है, 90 से छोटी। तो हमने रैंडमली ऐसे कोई भी कोण ले लिया और एक लाइन खींच दी। इतना आया कि नहीं आया आपको, आ गया ना। अब इसके बाद जैसे कि हमने इसके कितने इक्वल पार्ट करे, 8 इक्वल पार्ट करे। तो अब हम करेंगे क्या कि हम इसके 8 इक्वल पार्ट करने, तो जो हमने न्यून कोण पे रेखा खींची है इस पे हम क्या करेंगे, 12 चाप लगाएंगे प्रकाल से। आप जितना भी आप दूरी ले सकते हो, आप ज़्यादा लोगे तो क्या है कि क्या पता पेज में आपकी जगह ना बचे, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितना आपको लेना है, ठीक। फिर हमने यहाँ 12 चाप लगाने, कितने लगाने, 12, 1, 2, 3, 4, हमें 8 लगाने, 5, 6, 7, 8 क्यों लगाने, क्योंकि हमने इसके 8 पार्ट करे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। अगर आपने 12 पार्ट किए होते तो यहाँ 12 करते। आपको जितने भी किसी भी लाइन के इक्वल अनइक्वल पार्ट करने हैं, ठीक है, किसी भी लाइन के अनइक्वल पार्ट करने हैं, तो यही मेथड सबसे बढ़िया है। फिर इसके बाद हम करेंगे क्या कि हम अपने ड्राफ्टर को क्या ढीला करेंगे, फिर हम करेंगे क्या कि जो इसका लास्ट पॉइंट था उसके लास्ट पॉइंट को हम मिलाएंगे लाइन के लास्ट पॉइंट से, ठीक। और यहीं पे हम इसको सेट करेंगे, और फिर एक बार सेट होने के बाद हम क्या करेंगे, ड्राफ्टर को कर देंगे टाइट। क्या कर दिया हमने, ड्राफ्टर को कर दिया टाइट, और इसको हमने इससे लास्ट से क्या कर दिया, जॉइंट, ठीक। अब ये हो गया, अब हम इसको खसकाते ले जाएंगे और ऐसे लाइन खींचते चले जाएंगे, लास्ट वाले पॉइंट से मिलाते चले जाएंगे, तो ये पैरेलल लाइन खींचती चली जाएगी। ये बिना ड्राफ्टर के आप ना करिएगा तो ये ठीक है, क्योंकि बिना ड्राफ्टर के सही नहीं बनेगा, ठीक। आप हमेशा ड्राफ्टर ही यूज़ करिए, ठीक है, बिना ड्राफ्टर के आप ड्राफ्टमैन नहीं बन पाएंगे, बनी बात है, ठीक है। आप रोलर स्केल वगैरह और स्केल का ज़्यादा यूज़ ना करें, ड्राफ्टर का ही मोस्ट, जितना ज़्यादा आप इसका यूज़ करेंगे उतने जल्दी आपको आएगा ड्राफ्टर चलाना,
ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि हमें अब इसके पता है, हमें इसके इक्वल पार्ट मिल गए जितने हमें चाहिए थे, हमें 8 चाहिए थे तो इसके 8 इक्वल पार्ट हो गए, ठीक। अब आप अगर सर्कल के 12 करते तो आपको यहाँ 12 इक्वल पार्ट करने पड़ते, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आगे हमने इसके 12 इक्वल पार्ट कर लिए, अब हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये सर्कल से यहाँ से एक लाइन गई है तो अब हम करेंगे क्या कि हम इसको भी ज्वाइंट कर देंगे इससे, ठीक। ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसके परपेंडिकुलर लाइनें खींचेंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइनें खींचेंगे, क्या चीज़ें, ऊपर हम इसको ड्रॉप कर देंगे ऊपर तक, ठीक। जितने पॉइंट हमको मिले हैं हम इसको ड्रॉप करते जाएंगे, बारी बारी इसको ऊपर ड्रॉप कर देंगे, ओके ओके। अब हम क्या होगा, हमारा इतना हो गया, ठीक। हमने क्या क्या किया कि किसी भी लाइन को अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं ये हमारा रह गया था, तो हमने इसमें कवर कर लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद ये हमारा इतना बन गया, अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे कि अब हम इसके पैरेलल ड्राफ्टर रखेंगे हमारे बेस के, और ये जो हमारी ये जो ऐसे वर्ट ये हॉरिजॉन्टल जो लाइनें गई हैं इसी के हॉरिजॉन्टल हम सारी लाइनें खींचेंगे, हम क्या करेंगे इसके पैरेलल हमने रखा और हम इसके पैरेलल के हमने लाइनें खींची, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं, तो सबसे पहले ये स्टार्ट यहाँ से होगा इस पॉइंट से, तो इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, देन हमारा 8, ठीक। ये हमारे हो गए पॉइंट। अब इसके बाद ये टर्न कहाँ से करना शुरू करेगा, सबसे पहले ये हमारे यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक। तो ये 8वां पॉइंट इससे टच करेगा, पहला पॉइंट यहाँ से, ठीक। तो हम नंबर ऐसे कर देते हैं, इसको नंबर हम दे दें उल्टा दे दें 8 7 6 5 4 3 2 1। आप चाहो तो इसको यहाँ भी 8 8 7 6 5 4 तो है ना करके फिर यहाँ 1 2 3 4 कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक, कैसे करना है। फिर इसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे कि अब हमें क्या करना है, प्रकार लेना है। प्रकार लेने के बाद हम क्या करेंगे, जितनी इसकी रेडियस है, हमारे इसकी जितनी रेडियस है इतने सर्कल की, वो हमें लेनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमारे देखो, सबसे पहले हम यहाँ नंबरिंग करते हैं, ये जो हमारा ये पहला सर्कल है इसको हम नाम देते हैं C0, फिर ये क्या है C1, ठीक, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 एंड C8, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको। अब हमें क्या करना, सबसे पहले हमने लिया, हमें जितने रेडियस का हमारा ये था हमने वो लिया प्रकार में, ठीक, सर्कल। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कहाँ रखना है, C1 पे हम रखेंगे और कट कहाँ करेंगे, फर्स्ट वाले में जो, ठीक है, ये जो हमारा ये है, ठीक, फर्स्ट वाले में कट होगा, फर्स्ट वाली लाइन में, ठीक, तो यहाँ कट करेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, C2 पे रखेंगे, कहाँ करेंगे, दूसरी वाली लाइन पे, ठीक है। फिर हम कहाँ रखेंगे, C3 पे रखेंगे और कहाँ कट करेंगे हमारा, अब हम क्या करेंगे, C2 पे प्रकार की नोक रखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके जितनी रेडियस लेंगे, जितना हमारा डायमीटर था इसका हमारे सर्कल का, हमने क्या किया C1 पे हमने क्या रखा, प्रकार की नोक रखी, और हमने कहाँ पे कट किया, जहाँ पे 1 की लाइन गई, 1 की लाइन कहाँ गई है, 7 और 1 ये लाइन गई, तो हम इसको कट करेंगे, तो हम जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक हम कहाँ रखेंगे, C2 पे रखेंगे, और जहाँ पे ये 2 की लाइन गई वहाँ पे कट करेंगे, 2 और 6 की लाइन कहाँ गई, ये गई है, तो हम इसको यहाँ कट करेंगे। फिर इसके बाद हम C3 पे क्या रखेंगे, प्रकार की नोक, और उसको कहाँ पे कट करेंगे, जहाँ 3 की लाइन गई, 3 की लाइन कहाँ गई, ये गई, हमने इसको कट किया।
फिर इसके बाद वैसे ही हमने C4 पे रखा, कहाँ पे कट किया, फोर्थ लाइन ये गई है और ये कट कर दिया। फिर उसके बाद हमने C5 पे रखा और काट के कट किया जहाँ फाइव की लाइन गई, ये कट किया। फिर उसके बाद C6 पे रखा और सिक्स पे कहाँ सिक्स की लाइन बीचों बीच में गई, हमने ये कट किया, ठीक। फिर उसके बाद C7 पे रखा और सेवन पे कहाँ गई, नीचे गई, तो हमने इसको ये कट कर दिया। फिर उसके बाद C8 पे हमने रखा और कहाँ पे कट करेगा, ये इस लाइन पे कट करेगा। अब जहाँ जहाँ पे कट किया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट को मेज़र कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको कर दिया। आप ये फ्रेंच कर्व से बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन सारे पॉइंटों को मिला देंगे और ये जो मिला के जो हमें कर्व मिलेगा यही हमारा क्या मिलेगा, साइक्लॉइड बनेगा। क्या बनेगा, एक साइक्लॉइड। आप ये फ्रेंच कर्व से बनाएंगे तो बहुत ही स्मूथ आएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, यही जो कर्व बना है यही हमारा क्या है, साइक्लॉइड, ठीक है, यही हमारा साइक्लॉइड है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एपिसाइक्लॉइड।